नमस्कार दोस्तों, ये मत भूलें कि जो शरीर व मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है वही आपको भी दिया है, बस आपको उसका उपयोग कैसे करना है ये आप तय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 13 मार्च दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपकी भी मिथुन राशि है और आप जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज सोमवार है, आज भगवान भोलेनाथ का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय महाकाल अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 13 मार्च 2023 दिन सोमवार, आज की तिथि है षष्ठी, आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, सूर्योदय 6:41 AM, सूर्यास्त 6:31 PM, सूर्य राशि सूर्य कुंभ राशि पर है, अभिजीत मुहूर्त 12:15 PM से 1 PM। चाणक्य विचार। आचार्य चाणक्य विद्वान होने के साथ ही महान शिक्षक भी थे, उनके द्वारा बताई गई नीतियों को अपनाकर जीवन में सफलता पाई जा सकती है। आचार्य चाणक्य ने विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। चाणक्य नीति में पैसा, सेहत, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, समाज और जीवन में सफलता, सुख और दुख से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपना ले तो वह सफलता के नए मुकाम हासिल कर सकता है। कहा कालः कानि मित्राणि को देशः को व्यगामगुः कस्यामः काचामे शक्तिरिति चिन्तयं मुर्मुहुः। आचार्य चाणक्य ने श्लोक के माध्यम से उन 5 चीजों के बारे में बताया है जो किसी भी व्यक्ति के सफल होने के लिए जरूरी हैं। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हमेशा किसी भी काम को करने के लिए सही वक्त का होना जरूरी है, साथ ही अच्छा दोस्त, अच्छी जगह, पैसे और खुद की शक्तियां भी किसी व्यक्ति की सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। समय। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर इंसान को समय की कद्र करनी चाहिए, कोई भी काम अगर सही समय पर किया जाए तो उसका रिजल्ट भी बेहतर होगा। मित्र। किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके मित्रों का विशेष योगदान है, व्यक्ति को सच्चे मित्र की पहचान करनी आनी चाहिए, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कितने मित्र उसके साथ हैं। स्थान। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किस स्थान पर है। किसी भी व्यक्ति को हमेशा ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां रोजगार के अवसर मौजूद हो। इनकम। किसी भी व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी इनकम कितनी है और उसके खर्च कितने हैं, उसे पैसे कमाने और उन्हें सेव करने पर भी ध्यान देना चाहिए। खुद की शक्तियां। किसी की व्यक्ति की सफलता में उसकी खुद की मेहनत का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन है और उसकी शक्तियां क्या है। दोस्तों यदि चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करें। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशि फल। अवसाद या तनाव मन की शांति को नष्ट कर सकता है। जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि भी लेकर आएगा। घर के लोग आपके खर्चीले स्वभाव की आलोचना करेंगे। आपको भविष्य के लिए पैसे जमा करने चाहिए, नहीं तो आगे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आसमान ज्यादा उजला नजर आएगा, फूलों में ज्यादा रंग दिखाई देंगे और आस पास आपके सब कुछ चमक उठेगा। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपने शब्दों को गौर से चुनें। आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा, आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा कदम आप उठा सकते हैं जिससे आपको काफी धन लाभ होगा। इस राशि के लोगों को निजी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहने वाला है। कामकाज में आपको मदद मिलेगी, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, धन में वृद्धि होगी। आज आपका मन लोगों से मिलने में ज्यादा लगेगा, कुछ नए दोस्त आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। परिवार के किसी नौजवान की मनमानी पर रोक लगा सकते हैं। जीवन साथी या प्रेमी के द्वारा आपकी मर्जी के बिना कोई कदम उठाए जाने के संकेत हैं। आज आपका आत्मविश्वास शिखर पर रहेगा, इसका पूरा लाभ उठाएं। आप अपने आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। दिन के दूसरे हिस्से में आप आराम करना और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। विवादों की एक लंबी कड़ी आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है, अतः इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। इस सप्ताह में आप काफी कुछ करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप काम टालते रहेंगे तो खुद पर ही खींच पैदा होने लगेगी। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा, आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगा रहेगा। किसी मंदिर में आप आज दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। बचपन के किसी मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। समझदारी से किया गया काम ही आगे चलकर आपको लाभ दिला सकता है। बिजनेस पार्टनर से किसी बात पर अनबन हो सकती है, जितना हो सके अवॉइड करें। गाय को चारा खिलाएं, आपके साथ सब बेहतर होगा। आज आपके व्यापार में कोई परिवर्तन हो सकता है, इससे जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी, यात्रा मनोरंजक रहेगी। यदि आप किसी काम को करने का मन बना रहे हैं तो साझेदारी से बचना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर से आपको धोखा मिले इसके पूरे संकेत हैं। भाग्योन्नति के
प्रयास सफल रहेंगे। निवेश के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसने और हंसाने की शैली है। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आप इसका उपयोग करके देखें। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का है। तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। अपने संबंधों में यथार्थवादी बनने की कोशिश करें। आपको ऐसी जगहों से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने इसकी कभी कल्पना भी ना की हो। आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिन समय है। आज आपका पूरा दिन सामाजिक कामकाज में बीत सकता है। जीवन साथी के साथ शाम को डिनर पर जाएंगे, दोनों के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। धार्मिक कार्यों में सहयोग दे सकते हैं। गाय को रोटी पर लगाकर खिलाएं, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल कर रहे। अलग अलग नजरिए के चलते आपके और आपके जीवन साथी के बीच वाद विवाद हो सकता है। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। शैक्षिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। कार्यक्षेत्र में व्यवधान आ सकते हैं। अचानक आई जिम्मेदारी आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही करने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। असुरक्षा और दुविधा के चलते आप असमंजस में फंस सकते हैं। ऐसा लगता है आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आज अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचे। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आज आपका आसपास माहौल जो है वो एक अलग तरह का आपको महसूस होगा। आज आपका आपस में कुछ ज्यादा विवाद हो सकता है जिसके दूरगामी परिणाम वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक हो सकते हैं। आज आपका दिन बेस्ट होगा। किसी जरूरतमंद की आप मदद करेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। ऑफिस में नए काम की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है जिसे पूरा करने में आप सक्षम भी होंगे। किसी जरूरी काम में परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा। करियर में आगे बढ़ने के कुछ नए मौके मिलेंगे। करीबी लोगों की मदद से आपकी इनकम बढ़ेगी। बहते जल में तिल प्रवाहित करें, आपको काम में सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान शिव की आराधना करने से आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी तथा उनसे लाभ भी मिल सकता है। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखिरी वक्त पर टल सकती है। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। नुकसान की काफी संभावना है। पारिवारिक स्तर पर कोई नई शुरुआत किए जाने के संकेत हैं। व्यक्तिगत प्रतिभा के बल पर प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होगी। थोड़े परिश्रम से अधिक धन प्राप्त होगा। रिश्ते में गर्मजोशी से आपकी मधुरता आपसी बढ़ेगी। लव पार्टनर से गुप्त बात शेयर कर सकते हैं। जीवन साथी की किसी बात पर आप गुस्सा हो सकते हैं। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 9। शुभ रंग है लाल और मरून। उपाय: बाथरूम या घर के कोनों में गमले में सफेद मार्बल के टुकड़े या दाने रखने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।